थोड़ा सा और आगे आएगा, थोड़ा सा। चलो ठीक है, करो थोड़ा सा और आगे। वेट, और आया पैटर्न, पैटर्न। तुम क्या करते हो, यहाँ ले आते हो बैट, है ना? बैट को यहाँ ले, बैट एंड बैट साथ, राइट? फिर गलती हुई। अभी भी बैट पीछे रह रहा है पैड से ना, इसकी वजह से बॉल को लेट खेल रहा है। चलो टाइमिंग सेट, खेलना हेड पे ही है बट थोड़ा सा बैलेंस करते हुए, एडजस्ट करते हुए। योर फर्स्ट राउंड इज कंप्लीटेड, सेकेंड राउंड आपका स्टार्ट हो गया। और सेकेंड राउंड में आपको ये ध्यान रखना है कि जो अभी तक आप खड़े होकर के डिफेंस कर रहे थे ना, इसको स्टेप आउट करके डिफेंस करना है, ठीक है? स्टेप आउट मतलब आगे बढ़ के। एक बार दीदी को देखो आप कैसे कर रही है, वेरी गुड, गुड बॉय, शाबाश। बैट को आगे लाना सीखिए, बैट हमेशा आपका पीछे ही जा रहा है। यस, कम ऑन, टॉप हैंड टाइट रखना है बेटा, टॉप हैंड की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। यस, बैलेंस इज अ इश्यू ऑफ योर बैटिंग स्टाइल। टॉप हैंड अगर टाइट रखोगे तो ये सारी चीजें बेटर होती चली जाएंगी। यस, कम ऑन, नो, दिस इज नॉट गुड। थोड़ा सा और उधर जाएगा, दीदी की तरफ शॉट, गुड। वेल एग्जीक्यूशन, वेरी गुड। बैलेंस और बनना शुरू हुआ तो और अच्छा होने लगेगा। कम ऑन, नो नो, दिस इज योर ब्लॉक होल, आपके ब्लॉक होल में बॉल गई है, आपने गैप दे दिया, बैट आपका बाहर से आया, ठीक है? क्लोज अप द बॉडी, नहीं ये भी गलत है, आपका टॉप हैंड हिल गया। क्लोज अप द बॉडी और टॉप हैंड आपका टाइट, ठीक है? बाहर से बैट आ रहा है, बैलेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलो स्टिल होकर के खेलो, खड़े होकर के, नहीं स्टेप आउट नहीं करना, खड़े होकर खेलो, बिल्कुल बाहर से बैट आ रहा है। और जल्दी अंदर, बॉल को वेट करो, इस बॉल को, एक बॉल आगे था ना। चलो, ये छोटा बॉल था। यस, कम ऑन, ठीक है, चलो चलो ठीक है। देखो स्पीड मैटर करती है, आपके हैंड स्पीड में जब देरी होगी बॉल की स्पीड से तो क्या होगा, पैर पहले लग जाएगा, राइट? कम ऑन, यस, नेक्स्ट। अब देखिए आपका दो राउंड पूरा हुआ है और दो राउंड में आपने क्या गलतियां की हैं, सबसे बड़ी चीज है आपने बैलेंस खोया है, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि आपका टॉप हैंड टाइट नहीं है। इन दोनों को बेहतर करने के लिए सॉल्यूशन क्या है, इसको ध्यान दीजिए। आप खड़े होइए और खड़े होकर के फ्रंट फुट की पोजीशन पे आइए, फ्रंट फुट की पोजीशन पे आइए, यस, और इस पर स्टिल करिए, होल्ड करिए अपने आप को, होल्ड करिए और देखिए कितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हो। आपका इसमें एल्बो हो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, गुड। अब आप होल्ड रखिए,
होल्ड रखने से आपको ये पता चलेगा कि आप कितनी देर तक इसको कर सकते हो। गुड, ओके, दैट्स इट।